गाजा पट्टी का भी और जलना तय है। इजराइल की फोर्स जैसे ग्राउंड अटैक शुरू करेगी वैसे ही बड़ा हमला होगा। जी हाँ, ग्राउंड अटैक के साथ साथ हमास का रिएक्शन सामने आएगा ही, और ये रिएक्शन ईरान के सहयोग से इसराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हमास के एयर चीफ के मारे जाने के बाद संगठन के भीतर खलबली मची हुई है। ईरान, तुर्की, कतर, मिस्र जैसे जो देश हैं वो शांति वाली बातों के बीच गाजा पट्टी पर एक मिनट के लिए भी हमले नहीं रुक रहे। इस बीच इसराइल पर भी हमास की ओर से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। इसराइल का डिफेंस सिस्टम इन हमलों को काफी हद तक नाकाम कर रहा है, फिर भी कुछ रॉकेट तेल अवीव पर गिर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर लेबनन से हिजबुल्ला संगठन उत्तरी इसराइल को निशाना बना रहा है। इसी बीच यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल से हमला किया। इसराइल के नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश कैसे दुश्मनों से घिर गया है। इसराइल के उत्तर पूर्व में सीरिया जैसा दुश्मन है, उत्तर पश्चिम में लेबनन है जहां से हिजबुल्ला निशाना बना रहा है, दक्षिण पूर्व में जॉर्डन है जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है जो इसराइल के खिलाफ अरब देशों के साथ खड़ा है। इन सबके बीच घिरा इसराइल यमन से परेशान है क्योंकि वहां से हूथी उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। ईरान से परेशान है क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्ला का आधार है। तुर्की से परेशान है क्योंकि तुर्की भी हमास को योद्धा मानता है, धर्म युद्ध लड़ने वाला आतंकवादी नहीं। और इन सबके गुट ने इसराइल का खून खौला दिया है। नतीजा सामने है, फिलिस्तीन में बच्चा बच्चा अपनी जान का भूखा है। कब कोई इसराइल का बम उसके चीथड़े उड़ा दे, उसकी मां सीने से चिपकाए रात बिता रही है, लेकिन कब तक बची रहेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमास के आतंकी आकाओं के पास भी नहीं और हिजबुल्ला के खूंखार लड़ाकों के पास भी नहीं, क्योंकि इन दोनों के नेता कतर और इस्तांबुल में ऐश कर रहे हैं। युद्ध के बीच ये बात बार बार सामने आती है कि हमास और हिजबुल्ला जैसे इसराइल के कट्टर दुश्मनों को पैसा देता कौन है, इन संगठनों तक पैसा पहुंचता कैसे है, हमास इतने पैसे से क्या कर रहा है, हमास की अकूत संपत्ति कहां है। हिजबुल्ला और हमास दुनिया के दो सबसे अमीर आतंकी संगठन हैं। सिर्फ हिजबुल्ला और हमास के पास से इतना पैसा है जितना दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। इसी पैसे के दम पर हमास के आतंकवादी इसराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट दागते हैं। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी स्टेट टेस्टा ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इसराइल किस तरीके से जंग लड़ रहा है इस वक्त, और कुछ आतंकी संगठन भी हैं जो सामने खड़े हुए हैं। अब हम आपको उन आतंकी संगठनों से जुड़ी फंडिंग का ब्यौरा देते हैं। लेबनान से इसराइल पर मिसाइल हमला करने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्ला पहले नंबर पर है। हिजबुल्ला की फंडिंग कैसे बढ़ती जा रही है, एक साल में 110 करोड़ डॉलर यानी करीब 9,130 करोड़ रुपए उसके पास तक पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पर आता है गाजा पट्टी में इसराइल का दुश्मन नंबर वन हमास। हमास को हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब होता है करीब करीब 8,300 करोड़ रुपए उसको फंडिंग के तौर पर मिल जाते हैं। हिजबुल्ला की 110 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी को मिलाकर 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। इसे रुपयों में अगर आप बदलेंगे तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 17,430 करोड़ रुपए। ये है दोनों आतंकी संगठनों की कमाई, और इसी कमाई के बलबूते वो किस तरीके से आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। इतने पैसों के बूते ही इन संगठनों ने इसराइल को परेशान कर दिया है। अब सवाल है कि हमास और हिजबुल्ला पर इतने पैसों की बारिश करने वाला अमीर है कौन। एक को 100 करोड़ की फंडिंग, दूसरे को 110 करोड़ रुपए की फंडिंग, आखिर कहां से होती है इतनी फंडिंग, सोर्सेज क्या है, वो अब हम आपको बताते हैं। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में नाम पर, जो आजादी के नाम पर वो दुनिया भर से मदद ले रहा है,
वो है उसकी सबसे बड़ी फंडिंग। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है, ये पूरा नेटवर्क वो चलाता है, ग्लोबल फाइनेंसिंग ये नेटवर्क है। हमास तक पैसा सिर्फ बैंक के जरिए नहीं पहुंचता है, एक बहुत बड़ी चेन है उसके पास में, पैसा सिर्फ बैंक के जरिए नहीं पहुंच रहा है उसके पास में। ब्लॉक चेन रिसर्च TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम $4 लाख की क्रिप्टो करेंसी मिली है, इतनी बड़ी रकम ये देखिए कैसे हमास तक पहुंची। और इसके अलावा हमास गाजा के लोगों की मदद के नाम पर दुनिया भर से क्राउड फंडिंग जुटाता है। क्राउड फंडिंग से आप समझ गए होंगे किस तरीके से दुनिया भर में पहुंचता है और वहां से फंडिंग जुटाने का वो काम करता है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट ये दावा करती है कि ईरान हर साल $10 करोड़ की मदद हमास को करता है। हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को $10 करोड़ की मदद ईरान की ओर से दी जा रही है। इसके साथ ही गाजा की सुरंगों में कैसे सामान ले जाने वाला गाजा के नागरिकों से 30% तक लेवी वसूली जाती है, 30% तक की ये लेवी उन लोगों से वसूली जा रही है जो गाजा में बनी सुरंगों के जरिए जा रहे हैं। हमास के कुल बजट का $30 करोड़ से ज्यादा इन्हीं सुरंगों के जरिए होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाकर आता है और इन्हीं सुरंगों को अब निशाना बनाने का काम इजराइल कर रहा है।